टेंशन आपको होता है क्या? लाजमी है, डे टू डे रूटीन में हर एक को टेंशन होता है, लेकिन कैसे छुटकारा चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, जरूर चाहिए। तो आज आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे इन टेंशन से छुटकारा पाया जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ट्राई टू इग्नोर द पीपल या ट्राई टू इग्नोर द पर्सन जिनकी वजह से टेंशन हो रहा है। अगर पॉसिबल हो तो ऐसे लोगों को फिजिकली इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, मिलना ही नहीं है डियर। और दूसरी चीज, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ फिजिकली मिलना हम बंद नहीं कर सकते, यानी कि वो हमें मिलते ही मिलते हैं। सो अगर उस तरीके से मिलना बंद नहीं हो सकता है, सो भाई सेकंड पॉइंट इसी में है कि उनसे बात करना बंद कर दो, या मिनिमम बात करो, या बिल्कुल अपनी चुप्पी साध लो। और इसी के साथ साथ जो इसी में जो थर्ड पॉइंट आता है, इसी का जो सब पॉइंट है, वो ये है कि भाई अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, उनसे मिलना भी पड़ रहा है, उनसे बात भी करनी पड़ रही है, सो कम बात करें। और तीसरी चीज इसी में कि भाई उनको तवज्जो देना बंद कर दें, यानी कि उनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें। हमें उन्हीं लोगों की बातें ज्यादा बुरी लगती है, या उन्हीं लोगों की बातों से ज्यादा टेंशन होता है, या उन्हीं लोगों की बातों को हम ज्यादा दिल में घर कर लेते हैं जिनको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। सो भाई तवज्जो देना बंद कर दो, जो हमें टेंशन दे रहा है हमने उसको इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी। गॉट इट? और उसी के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट आता है कि भाई एक चीज याद रख लीजिए कि इस टेंशन में रहने की अपनी हैबिट मत डेवलप कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये टेंशन हम गेट रिड कर सकते हैं, बाइगॉन कर सकते हैं, अपने जीवन से ऐसे उड़ा सकते हैं, लेकिन तब भी उनके साथ रहना, उनको बार बार इंजॉय करना, डिस्कस करना हमारी आदत में शुमार हो जाता है। सो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जिन टेंशन को हम छुटकारा पा सकते हैं, या जिन टेंशन के बारे में हमें बिना सोचे काम चल सकता है, सो भाई उसको अभी से रफा दफा कर दो। और उसी के साथ साथ जो थर्ड पॉइंट आता है कि भाई आपका कोई हमदर्द है, हमनुमा है, आपको टेंशन हो रहा, आपने उससे डिस्कशन करा, भाई बात समझ में आई, लेकिन हर एक से जो बार बार जो रिपीटेशन होता है, या हर एक से वो टेंशन डिस्कस करना, हर एक को टेंशन बताना, जैसे बच्चे नहीं टेबल्स याद करते हैं या पहाड़े याद करते हैं, भाई ये भी अगर आदत है तो उसको भी अपनी आदत से हटा दीजिए। क्योंकि अगर जितनी बार आप उस टेंशन को डिस्कस करते हैं, जितनी बार उस टेंशन को आप दूसरों तीसरों को बताते हैं, उतनी बार आपके जो टेंशन हैं वो खत्म होने के बजाय मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। सो इस चीज को भी बहुत ध्यान रखिएगा। सो फोर्थ पॉइंट आता है, डेविएट योर माइंड, यानी कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने दिमाग को जिसे कहते हैं ना ट्रेंड कर दीजिए कि भाई उसे पता हो किस चीज को इनकमिंग लेनी है और किस चीज की इनकमिंग नहीं लेनी है, यानी कि फालतू फंड की जो बातें हैं ना वो इंटेक ही ना करें। इसको आप इस तरीके से समझिएगा, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि दूसरे आए और हमारे दिमाग के साथ खेल कर चले गए। सो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों के दिमाग से खेलें, यहाँ तो भैया अपनी ही चीज़ है, अपना जो दिमाग है उसको इस तरीके से ट्रेंड करें कि वो जो फालतू की इनकमिंग है उसको ले नहीं, और अगर इनकमिंग आ भी गई है सो उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे उसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास टेंशन आ गया, सो दिमाग उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर दे, भाई अभी टाइम नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, या ऑफिस जाना है, या अभी बहुत सारे काम करने हैं, या मेरे पास अभी बहुत सारी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोचने के लिए, सो ये फालतू का टेंशन मैं नहीं लेती। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को और ध्यान रखिएगा कि जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का होता है, यानी कि खाली पीली अगर बैठे रहोगे या लेटे रहोगे तो क्या होगा कि जो ये टेंशन नाम की चिड़िया है ना, या टेंशन नाम का चिड़िया भी नहीं, चिड़िया तो बहुत प्यारी होती है, ये जो टेंशन नाम का जो पहाड़ है ना आपके सर पे ऐसे सवार हो जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि भैया खाली पीली बैठना ही नहीं है, आपको हर समय अपने आप को बिजी रखना है। अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, वर्किंग नहीं है, तो भी आपके पास इतने काम होने चाहिए, और नहीं है तो अपना कोई शौक डेवलप कर लीजिए कि हर समय आपके पास काम है। जब आप बिजी रहेंगे खुद भी फिजिकली एंड मेंटली बोथ, तब भी ये टेंशन नाम की जो चिड़िया है, या टेंशन नाम का सॉरी ये जो पहाड़ है, ये अपने आप ही हट जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन बहुत ही परफेक्ट और सुपर हिट पॉइंट्स बताए, अपने मुंह से ही बोल रही हूँ। इसको अपनी लाइफ में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेगा, आपको वाकई इस टेंशन से निजात ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सो होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जो मेरे डियरेस्ट फ्रेंड्स हैं ऑलवेज मेरा वीडियो ही देखते रहते हैं और कभी सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।